रंग दे तुम्हें गेरुआ। दोस्तों अगर आप लोगों ने ये वाला सॉन्ग सुना है तो आपने 2016 में आई शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर दिलवाले मूवी तो जरूर देखे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है इसकी शूटिंग कैसे हुई थी? अगर नहीं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को दिलवाले मूवी के कुछ जबरदस्त बिहाइंड द सीन को बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप भी शाहरुख खान सर के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने दिलवाले मूवी को देखा है तो आपको इसका ये वाला सीन तो जरूर याद होगा, जब शाहरुख खान चलती हुई गाड़ी से बंदूक चलाते हुए नजर आते हैं। वैसे आपको बता दे कि मूवी की ये सीन बिल्कुल ही रियल है, क्योंकि इस सीन को एक रियल लोकेशन पर शूट किया गया था। लेकिन इसकी शूटिंग करते समय इस कार को एक स्टंट मैन के द्वारा चलाया गया था, जिसमे की शाहरुख खान कुछ ऐसे एक्शन करते हुए दिखाई दिए थे जिसे की आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर इसके अलावा आप सबको इस मूवी का गेरुआ सॉन्ग तो जरूर याद होगा। वैसे आपको बता दे कि इस सॉन्ग की शूटिंग एक आइसलैंड पर किया गया था, जिसमें इसकी शूटिंग करते समय इसके सभी कैरेक्टर को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही थी। लेकिन फिर भी इसकी परफॉर्मेंस पर कोई भी असर नहीं पड़ने दिया। और इस सॉन्ग में दिखाया गया वाटरफॉल और इसका सभी लोकेशन बिल्कुल रियल है, जिसे कि आप यहां देख सकते हैं। दोस्तों इस मूवी में जितने भी कार स्टंट वाले सीन है उसे स्टंट मैन के द्वारा शूट किया गया था, और इसके काफी सारे सीन को स्टंट मैन के द्वारा ही शूट किया गया है, जिसके कुछ बिहाइंड द सीन को आप यहां देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसका अगले बिहाइंड द सीन की, जिसमें आप शाहरुख खान और काजोल को एक्शन सीन की शूटिंग करते हुए देख सकते हैं। लेकिन इस सीन के बाद काजोल की गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस गाड़ी को धक्के मार के गड्ढे से निकाले थे, जिसे कि आप यहां देख सकते हैं। दोस्तों आपने इस मूवी में कार ब्लास्टिंग वाले सीन तो जरूर देखे होंगे, लेकिन आप सभी को यह जान के हैरानी होगी कि ये सभी सीन रियल है। बस इसमें फर्क इतना है कि मूवी में ब्लास्ट होने वाले कार को हल्के मटेरियल से बनाया गया था, ताकि उसे स्टंट परफॉर्मर द्वारा आसानी से उड़ाया जा सके। फिर इसके अलावा इस सीन को कहीं कहीं पर ड्रोन के भी मदद से शूट किया गया था, जिसके बिहाइंड द सीन को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों इस मूवी में शाहरुख खान के एक्शन सीन के साथ साथ वरुण धवन के भी फाइटिंग सीन दिखाए गए हैं। आप स्क्रीन पर वरुण धवन के इस फाइटिंग सीन को देख सकते हैं। वैसे इस सीन की शूटिंग करते समय स्टंटमैन को एक रस्सी के सहारे बांधा गया था, तब जाकर ये फाइटिंग सीन शूट हो पाई थी, जिसे कि आप यहां देख सकते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस सीन में दिखाए गए सभी ग्लास को डेकोरेट करने के लिए लगभग 5 से 6 घंटे लग गए थे। दोस्तों मूवी के इस खूबसूरत सीन को कोई कैसे भुला सकता है, जब काजोल की गाड़ी शाहरुख खान की गाड़ी से टकरा जाती है। आपको बता दें कि मूवी के इस सीन को शूट करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया गया था। आप यहां देख सकते हैं इस सीन की शूटिंग करते समय ये आदमी एक हेयर ड्रायर की मदद से कैसे बालों को उड़ा रहा है। इस सीन की शूटिंग करते समय काजोल को कई सारा रीटेक देना पड़ा था, तब जाकर ये सीन सही तरीके से शूट हो पाई थी। दोस्तों मूवी में लिए गए सभी सीन को शूट करने के लिए हमारे कलाकार को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक छोटे से सीन को शूट करने के लिए न जाने कितनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि सीन को शूट करने से पहले शाहरुख खान और काजोल को डांसर से मदद लेनी पड़ी थी। दोस्तों वरुण धवन के मनवा इमोशन जागे सॉन्ग में भी काफी बढ़िया एक्शन सीन दिखाए गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस सीन में जब वरुण धवन का कार नीचे जंप करती है, तब उस समय बहुत सारे लाइट मटेरियल को नीचे बिछा दिया गया था, जिसमें वरुण धवन को कोई भी नुकसान न हो। दोस्तों इस मूवी में कुछ इस तरह के रियल सीन दिखाए गए हैं जो कि एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि चलती कार से बंदूक चलाना या फिर कार को ब्लास्ट करके हवा में उड़ाना। वैसे दोस्तों आपको इस मूवी का कौन सा सीन अच्छा लगा इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसे ही मूवीज बिहाइंड द सीन का वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।